डेली तो मैं थाली दिखाती ही हूँ, तो आज कुछ नाश्ता की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं बना रही हूँ, और क्योंकि बारिश का समय है ना, तो थोड़ा सा नमकीन चूड़ा पोहा, चाहे आप नमकीन गुजिया वगैरह बना के रखते हैं ना, तो शाम के चाय के साथ मतलब आप बरसात का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बज गए हैं शाम के 6, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा आज मीठा कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटा मैं लगा ली हूँ, मैदा है 1.5 कटोरी में ली हूँ, और उसको मैं दूध और मोयन शुद्ध घी के साथ अच्छी तरह से एकदम जिस तरह से गुजिया बनाते हैं ना, गुजिया का आटा तैयार करते हैं, उसी तरह से सान ली हूँ। साथ में यहाँ एक बड़ा रोटी के जैसा बेल ली हूँ। और देखिए, गुजिया तो हम लोग बनाते हैं तो एक ही शेप का हम लोग बना बना के बोर हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे रहते हैं ना घर में, तो थोड़ा सा शेप और डिज़ाइन चेंज कर दीजिएगा ना, तो बच्चे मांग मांग करके वो रेसिपी को खाएंगे। तो मेरे घर में मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और मेरी बहन के बच्चे लोग सब आते रहते हैं, तो ये सब मैं बना के रख दूँगी। थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर देने से ना मतलब अच्छा भी लगता है देखने में। तो यहाँ पर देखिए, एक गोल रोटी का जैसा बेल करके उसको ट्रायंगल शेप में मैं कट लगा दी हूँ, और इसी पे मैं खोआ रख दी हूँ। खोआ को मैं मतलब रेडीमेड खोआ मंगाई हूँ, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिला दी हूँ, और भून करके फिर इसको देसी घी में, और जितना मीठा आपको खाना है उतना चीनी डाल लीजिए। और ऐसा करने से ना मतलब इसको आप ट्रायंगल शेप के ऊपर रख करके भरिएगा ना, तो एकदम नीचे तक इसकी फिलिंग हो जाती है। तो देखिए, ये सिंपल सा बच्चों की डिज़ाइन है, और बस एक ही टाइप का गुजिया बस पड़किया जो हम लोग बनाते हैं कि डिज़ाइन का बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आज ट्रायंगल का शेप दे रही हूँ, और एक पैटिस का शेप का मैं बना लूँगी। और दूध से सानने से क्या होता है ना कि इसका मतलब ये और भी खास्ता लगता है। जैसे मावा का कोई चीज़ बनाते हैं तो अगर दूध के साथ बनाइएगा ना, तो एकदम शाही मतलब स्वाद लगता है उसका। तो चलिए, ये एक डिज़ाइन बन गया, और एक डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। जैसे 2 रोटी जैसा मैं बेल ली हूँ, 2, और एक के ऊपर मैं पूरा खोआ रख दूँगी, और उसके ऊपर दूसरा मैं रोटी लगा दूँगी, और उसके बाद मोयन लगा करके, और फिर से इसके ऊपर फिर मैं खोआ लगा दूँगी। एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन और शेप, और एकदम लेयर लेयर खास्ता निकलता है। तो ये सब मैं अपना मन से डिज़ाइन बनाती हूँ, क्योंकि देखिए किचन में काम करते करते बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। और थोड़ा सा जो पतला वाला सेवई आता है ना, तो उसको भी मैं नीचे से लगा दूंगी, तो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा भी हो जाएगा। तो इसको रोल बनाते हुए ना, और नीचे में थोड़ा सा सेवैयाँ लगा दूंगी, तो इससे जब आप तलेंगे ना, तो एकदम कुरकुरा खास्ता तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से रोल के जैसा करके, और एकदम जितना बड़ा बड़ा साइज का आपको बनाना है ना, तो उतना बड़ा आप कट लगा ले। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेवई नीचे में रख करके और इसको प्रेस कर दूंगी, तो ये सारा जो है ना सेवई इसमें एकदम अच्छी तरह से लग जाएगा। देखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हम लगा देंगे। और उसके बाद ना इसको मतलब एकदम पैटिस की डिज़ाइन का कट कर लेना है। उसके बाद इसको आप एकदम खास्ता गुजिया के जैसा तल करके निकाल लीजिए, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ये बना लूँगी, और कल मैं नमकीन पारे बनाऊँगी, और थोड़ा सा ये भी बनाऊँगी मठरी, तो उसकी भी डिज़ाइन मैं और किस तरह से मैं बनाती हूँ। बनाते तो सब लोग हैं, थोड़ा थोड़ा किचन का अपना जायका अलग होता है, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये दिखा रही हूँ मैं, तो डेली तो मैं थाली दिखाती ही हूँ, तो आज सोची कि चलो कुछ मीठा हो जाए, और क्योंकि 26,000 की हमारी फैमिली भी हो गई है, तो इसी खुशी में आज मैं मीठा बना रही हूँ। तो चलिए, इसको एक एक करके हम तल करके निकाल लेते हैं। और डिनर के टाइम में देखिए, मैं मीठा बना ली हूँ, और आप लोगों को हंसी आएगा, ये खोआ का मिठाई बनाई हुई हूँ, और 2 बच्चे आ रहे हैं, तो बोले कि कुछ स्वीट खाएंगे, तो हड़बड़ में क्या करती, तो मेरे घर में ना नीचे में ही सारा दुकान है, चाहे मिठाई ले ले चाहे ग्रोसरी का सामान ले ले, तो फटफट से सुधा का खोआ मंगाई, और थोड़ा सा नया मैं मतलब डिज़ाइन कर दी। जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं ना, तो थोड़ा इसको मैं पैटिस का डिज़ाइन में कर दी हूँ। 2 बच्चा के लिए काफ़ी है, और बच्चे को थोड़ा सा ट्रायंगल शेप ये सब भी पसंद आएगा। और खास्ता हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये मिस्टर वर्मा से मैं ट्राई करवाऊंगी। और बोल रहे थे नमकीन ये सब बना दो, बादाम चूड़ा ये सब लेकर के आ गए हैं। तो चलिए, मतलब जो सुबह से मैं रेगुलर उठी हूँ ना, तो बैठी भी नहीं हूँ, लगातार करती ही जा रही हूँ। तो दोनों बच्चों को मतलब मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, हड़बड़ में बनाई हो, लेकिन खास्ता हुआ है, और साथ में खोआ भी है, और इसको मैं मतलब इसका जो मैं ये डो तैयार की हूँ ना, तो एकदम खास्ता दूध के साथ तैयार की हूँ। तो इसको शॉर्ट्स में मैं रेसिपी डाल दूंगी।
तो चलिए मिस्टर वर्मा से टेस्ट करवा लेती हूँ कि मतलब कैसा लगता है। खोआ का पड़किया ज्यादा पसंद है और बच्चे आएंगे तो थोड़ा सा मिल्क शेक वगैरह बना करके रख दी हूँ और उसके साथ मैं सर्व कर दूंगी। तो चलिए एक मैं उनको खिला करके देखती हूँ, क्योंकि ये तो ट्राइंगल से बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। तो एक पैटिस टाइप का जो बनाई हूँ खोआ का, तो उनको टेस्ट करवाती हूँ कि कैसा बना है। तो चलिए लेकर के चलती हूँ। देखिए तो ये कैसा बना है, ये पूरा जो है ना खोआ भरा हुआ है। देखिए कैसा बना है, अभी काफ़ी गर्म है और देखिए अंदर में पूरा, ये देखिए ये पूरा खोआ भरा हुआ है। देखिए लेयर लेयर खोआ भरा हुआ है। देखिए खा करके कैसा बना है, खा करके बताइए। ठीक है, बहुत टेस्टी बना है। देखिए बहुत कम रेसिपी होता है जो अच्छा लगता है। तो चलिए, खाने पीने का शौकीन आदमी है, मीठा कम खाते हैं, लेकिन ये सब गुजिया खोआ ये सब वाला ना काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए कोई नहीं और भी अच्छा मतलब डिज़ाइन में बना सकती थी, लेकिन देखिए ना कभी बारिश होता है कभी गर्मी हो जाता है। तो और व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं? उस समय से 2-3 ठो खा लिए हैं, देखिए इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा सीख गए हैं कि हाँ अच्छा बना है, ये चीज़ बोलने के लिए सीख गए हैं। सही में अच्छा बना है, अच्छा बना है ना, टेस्टी है, खोआ है इसीलिए टेस्टी है। लेकिन बहुत दिन के बाद आज चाय बना के दिए हैं, लेकिन मतलब सुबह से हम थक गए थे तो हम सोए हुए थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, तो देखिए कि चाय ला के रख दिए हैं। देखिए कप भी है वहाँ पर, लेकिन चाय ये पीते हैं एकदम चीनी और एकदम बहुत दूध वाला, लेकिन और हम पीते हैं एकदम लीकर चाय जिसमें ना चीनी रहता है ना मतलब ये रहता है। लेकिन चलिए बना के दे दिए तो मेरे लिए बहुत लग रहा है कि स्वर्ग में पहुंच गई हूँ कि चाय बना के दे दिए। तो चलिए आप लोगों को भी मतलब ये रेसिपी शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी बहुत। और चलिए मतलब मिस्टर वर्मा पास कर दिए। तो एक कमेंट्स आ रहा है कि आप मिस्टर वर्मा क्यों बोलती हैं, तो मतलब आधा इंग्लिश झाड़ती हैं आधा हिंदी झाड़ती हैं, तो ये ऑफिशियल नाम है, सब लोग मिस्टर वर्मा करके ही ऑफिस में बुलाता है। तो जब भी कॉल आया मिस्टर वर्मा है घर में क्या, मिस्टर वर्मा है क्या, तो मेरा भी मतलब हम भी बोलने लगे हैं मिस्टर वर्मा। तो इसमें तो इंग्लिश का कोई बात नहीं हुआ, तो तो बहुत सारे उसमें मतलब कमेंट्स आने लगे कि हम सनातनी हैं, सनातनी में ऐसे बोला जाता है। तो देखिए कोई सनातनी, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम लोग सब एक हैं। और ये सब जो मतलब र्यूमर जो फैलाते हैं ना कि हम हिंदू हैं तो वो मुसलमान है, तो एक तरह से क्या होता है ना कि हम मतलब जातिवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर सच पूछियो ना तो मैं मतलब कास्ट हूँ, सब लोग पूछते हैं ना कि आप कौन सा मतलब कास्ट के हैं। और बहुत सारे ये भी कमेंट्स आते हैं कि इंस्टाग्राम में आप रॉय लीना लिखती हैं और ऐसे आप लीना वर्मा हैं। तो देखिए हम लोग कास्ट हैं, तो जिस समय जमींदारी था ना तो उस समय मतलब राय बहादुर का टाइटल दिया जाता था, जो मेरे मतलब दादा को दिया गया था, राय बहादुर बलवंत सहाय ऐसे हम लोग का टाइटल है। तो इसीलिए अपना इंस्टाग्राम में रॉय लिखती हूँ और ऐसे मेरे ससुराल में वर्मा है तो मैं वर्मा लिखती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कास्ट का ग्रुप भी है, ये सब भी है। तो देखिए मैं मतलब नहीं ज्वाइन की हूँ, क्योंकि आपके बच्चे भी है ना कहाँ मतलब अब जात पात में शादी कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, जिसको जो लड़का लड़की पसंद है लोग शादी कर रहे हैं। तो ये सब जातिवाद से उठ करके भी आप लोग ऊपर आइए और ये सब जातिवाद, हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, तो आपका इसमें क्या कहना है जातिवाद को लेकर के? हम लोग जातिवाद को नहीं मानते, नहीं ना मानते हैं, हाँ जातिवाद को नहीं मानते हैं। और कहा जाता है कि कास्ट का जो मतलब पढ़ाई लिखाई सबसे ऊपर होता था, और ये भी बात सही है कि चित्रगुप्त जो हम लोगों के मतलब हम लोग उनके वंशज हैं, लेकिन अब जो होता है ना कि कलम का ताकत सबके हाथ में है, सब जात लोग पढ़ रहे हैं, सब जात लोग ऊपर उठ गए हैं, तो अब ये सब वो सब समाज नहीं रहा, वो सब समय नहीं रहा। तो चलिए अब इसकी रेसिपी क्या शेयर करूंगी, आप लोगों को तो बिहारी थाली पसंद है, तो कल का मेन्यू अभी से बता दीजिए, कल क्या खाइएगा? मटन के लिए बोल रहे हैं, झूठे बोलूंगी, मटन के लिए कल से हल्ला कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं किचन में भी काम लगा रही हूँ, तो जो मतलब मिस्त्री आता है ना तो उसके पास मटन बहुत अच्छा बनता है, तो उसको बोल रहे थे कि तुम ले आएगा हम पैसा दे देंगे, क्या बोल रहे थे ना, तब हम बोले तो वही बोला था मेरा भाई खसी काटता है इसीलिए बोला तो बोल रहे थे कि मेरा भाई खसी काटता है तुम ले आना, तो हम मना किए कि अरे बोरिंग रोड में सबसे अच्छा दुकान है। तो अपना ठीक है, जिसको नहीं पसंद है वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन फिर ये बात सही लोग कमेंट्स करते कि जो खाने पीने वाला आदमी है तो उनको रोकिए मत। तो चलिए कोई नहीं, तो कल मटन खाइएगा, कल देखते हैं सुबह मौसम रहता है उसी चल जाएंगे, कितना भी ये रहेगा ना तो फिर चले जाते हैं।
तो चलिए कोई नहीं, और दो चार गेस्ट लोग भी आने वाले हैं, तो और भी मुझे खाना वाना बनाना है, तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।